बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपको जिस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में नई जॉब्स आ चुकी हैं और ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है और बहुत अच्छी जॉब्स है, पूरे पाकिस्तान के लिए है। और आप इसके लिए अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ से देख सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो को स्किप नहीं करना एंड तक देखना। अगर मेरे चैनल पर नए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की नई नई अपडेट आपको बलातहीर पहुँचते रहे और बरवक्त अप्लाई करते रहे। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और एप्लीकेशन का, जिस तरह ये पाकिस्तान पोस्ट का एप्लीकेशन है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसमें जो जॉब्स है, जिस तरह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विस 14 है, आप देख सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट हर यूनियन काउंसिल में ये डिफरेंट जॉब्स आ चुके हैं। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस तरह असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर जनरल इस्लामाबाद के लिए जो पोस्ट है, इसमें केपीके के लिए फाटा और जीबीओ एजेक सेन और पंजाब के लिए भी है, 18 पोस्ट है और असिस्टेंट की है। इस तरह आप देख सकते हैं जो ज़्यादा पोस्ट है, इस तरह इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा पोस्ट आ चुके हैं। और ये 15 पोस्ट जो है, ये पोस्टल क्लर्क के BBS 9 है, 15 पोस्ट इस्लामाबाद पोस्टल डिवीज़न के लिए है। इस तरह आप इसको स्क्रू डाउन करते हैं, ये देखते हैं मेल एंड पियोन रनर जो 30, 19, 20 इस्लामाबाद के लिए है, 30 गिलगित पोस्टल डिवीज़न और 19 करदू के लिए है। इस तरह ये पंजाब सर्कल मुल्तान के लिए है। इस तरह आप देख रहे पोस्टल क्लर्क जो है 20 मुल्तान डिवीज़न के लिए है, ज़्यादा पोस्ट है पूरे पाकिस्तान के लिए है। और इसके अप्लाई जो है वो 500 रुपये आप पाकिस्तान पोस्ट में आप जमा करवा सकते हैं। ये देर पेशावर के लिए है, ये आप देख रहे हैं ये पोस्टल क्लर्क जो है 25 पोस्ट है कोहाट पोस्टल डिवीज़न के लिए। इस तरह मलकंड पोस्टल 20 पोस्ट है, बड़ाबाद डिवीज़न के 14 है, 38 पेशावर GPO के लिए है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 26 MSTP डिवीज़न पेशावर के लिए है, स्टोर कीपर है ये। और इसकी अप्लाई जो है 15 अगस्त लास्ट डेट है। और इसके लिए जो आप एप्लीकेशन अटेस्टेड आपके डॉक्यूमेंट्स और 500 रुपये आपको पोस्टल ओरिजिनल रिसिप्शन और नंबर, आप देख रहे हैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, इसमें आपने BPS लिखना है, एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट लिखना है, सीरियल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट लिखना है, एलिजिबल नॉट एलिजिबल ये वगैरह लिखना है और नेम देख लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एज एंड क्लोजिंग डेट, जिस तरह आपका आज का डेट जो आखिरी तारीख उन तक आपका कितना एज बनता है, ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह लिखना है और ये उनका एप्लीकेशन है, डेट लिखना है, सिग्नेचर करना है और पोस्टल पे सेंड करना है। और 500 रुपये आपने और रजिस्ट्री रुपये 500 करने होंगे पोस्ट ऑफिस में या तो उसके साथ लगवाना है, 500 रुपये इसकी फ़ीस है। तो ये मालूम है, तो इंशाल्लाह दोबारा इस तरह जब वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगा। तो इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।